सेकंड में दुश्मन का नामो निशान मिटाने वाली मिसाइल से लेस हो रही वायुसेना। इजराइल की घातक मिसाइल से भारत करेगा दुश्मनों की हवा टाइट। उधर इसरो ने रचा इतिहास, इसरो के धमाके से उड़ जाएंगे चीन और पाकिस्तान। ध्वनि से 5 गुना रफ्तार के साथ दुश्मन पर फूटेगा इसरो का हाइपरसोनिक हथियार। दोस्तों आज भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण खबरें आ रही है और ये दोनों ही खबरें भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। एक और दोस्तों जहां इसरो से बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने इतिहास रचते हुए हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया है और इसरो के इस धमाके को सुन चीन और पाकिस्तान के कानों के पर्दे तक फट गए हैं। दोस्तों इसरो की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसरो का यह हथियार ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर कहर बरपाने वाला है, जिस बात को लेकर भारत की टेक्नोलॉजी पर संदेह की उंगली उठती रहती है, उस पर इसरो ने अब माकूल जवाब दिया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का परीक्षण करके इसरो ने दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में जगह बना ली है जिनके पास पहले से यह टेक्नोलॉजी मौजूद है और वे अपनी इस काबिलियत पर काफी ज्यादा नाज करते थे। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको वायुसेना में शामिल हुई नई हाई स्पीड लो ड्रेग मिसाइल के बारे में बताया था और आपको यह भी बताया था कि यह 250 किलोमीटर के दायरे में तबाही ला देगी और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI पर तैनात किया गया है। दोस्तों दुश्मन इस खबर से उभर भी नहीं पाया था कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार तांडव भारत और इजराइल मिलकर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर इजराइल के हथियारों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटा सा देश जिसके चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं उनके बीच में अपने आप को बहुत एडवांस लेवल पर आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के हथियारों की घातक क्षमता का मजा अरब देशों के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में मौजूद आतंकी अच्छे से चख चुके हैं, जो इसराइल के बारे में अगर सपने में भी सोच ले तो उनकी नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसे में इसराइल ठहरा भारत का दोस्त और दोस्तों दोनों मिलकर दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले हैं। दोस्तों भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार मौजूद है, तो उधर इसराइल से ये खबर आ रही है तो इसरो ने भी धमाका कर दिया है। दरअसल भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन में कंपकंपी पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर इन आसमान के लड़ाकू परिंदों के अंदर इजराइल जैसे देश की घातक मिसाइल लेस हो जाए तो इनकी ताकत को मापने का पैमाना भी छोटा पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रैम्पेज मिसाइल की, जो दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए नए अवतार में आ रही है। दोस्तों आप इस मिसाइल के बारे में बस इतना जान लीजिए कि इस मिसाइल का निर्माण रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया में सबसे बड़े एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, उनको टारगेट करते हुए किया गया है। दरअसल दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि इजराइल से ली गई रैम्पेज मिसाइल के लिए गोवा में चिकालिम में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। यह एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है, इसका वजन 570 किलोग्राम है। यह जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-400 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए इजराइल के द्वारा बनाई गई थी। रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन दोस्तों इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से मारकर नहीं गिरा सकता, बस केवल इसका दीदार कर सकता है। रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकता है। इस मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। आपको बता दें कि दोस्तों ये मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपा सकती है या किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइल लगाई जा सकती है। यह जीपीएस, आईएनएस गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लेस है, इसलिए इसे हेक या जैम करके बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती है। रैम्पेज मिसाइल की खासियत दोस्तों यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ।
स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की गति दोस्तों ऐसी नहीं होती है। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस नहस किया जा सकता है। यह अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड से टकराती है, यानी 21 से 33 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर हमला करती है। ऐसे में दोस्तों आप इस मिसाइल की ताकत और काबिलियत का अंदाजा जान सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक मिसाइल है। तो वाकई में दुश्मन की नाक में दम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों यह खबर इसरो की तरफ से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया में भारत की काबिलियत का डंका बजा दिया है। दोस्तों इसरो के इस परीक्षण के बाद अचानक से भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। दरअसल दोस्तों जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और एकीकृत रक्षा स्टाफ ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन परीक्षण किया है। परीक्षणों ने सभी आवश्यक पैरामीटर हासिल कर लिए हैं और उच्च क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, खासकर पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए एक अहम हथियार साबित होगा। इस वाहन की खास बात यह है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरता है। दोस्तों हाइपरसोनिक वाहन अंतरिक्ष में तेजी से पहुंचकर लंबी दूरी पर तेजी से सैन्य प्रतिक्रिया और वाणिज्यिक हवाई यात्रा के तेज साधन सक्षम करते हैं। एक हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है। हाइपरसोनिक तकनीक को नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है। दोस्तों इस तकनीक को हासिल करके भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है और भारत अब आसानी से हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करने वाला है। दोस्तों चीन, भारत, रूस और अमेरिका सहित कई देश हाइपरसोनिक हथियारों को और आगे बढ़ाने में लगे हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। अमेरिका कांग्रेस में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। इस साल रूस ने कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया था। भारत अपने हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। यह मिसाइल पारंपरिक हथियार के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। दोस्तों भारत इससे पहले 2019 और सितंबर 2020 में इस तरह की तकनीक का परीक्षण कर चुका है। इस परीक्षण के दौरान स्क्रैमजेट इंजन से लेस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की गति 7500 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। HSTDV अपने आप में एक हथियार नहीं है, बल्कि इसे हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए एक वाहक वाहन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 ऐसी हाइपरसोनिक पवन सुरंगें बनाई है, जहां वह ध्वनि की गति से 13 गुना तेज गति से वाहनों का परीक्षण कर सकता है। ऐसे में आप भारत की इस नई टेक्नोलॉजी के इजाद पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।